अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में आज हम ये जो मशीन का जो ये कैप होता है नीचे वाला, इसके ब्लेड चेंज करेंगे और इसके कप को चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो कप है ये टूटा हुआ है और ये जो कप है ये सही सलामत है, सही हो गया जी। इसका जो ब्लेड है वो भी चेंज करने का तरीका अगर आपको बताएँगे और ये कैसे खोला जाता है वो भी आपको बताएँगे, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक हो गया जी। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसका ब्लेड कैसे चेंज किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ का आपको गाइड कर दूँ कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सील है, सील को साइड में कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये ब्लेड लगा हुआ है और ये ब्लेड भी देख सकते हैं ये बिल्कुल टूटा हुआ है, सही हो गया जी। तो अगर हम इसका ब्लेड देख लें तो ये देख लें ये बिल्कुल ओके है, सही है जी। इसका जो ब्लेड है ये बिल्कुल सही है, ये टूटा फूटा नहीं है और इसका जो कैप है वो भी सही है, इसका ब्लेड भी सही है। लेकिन इसका जो ब्लेड है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये वाला जो ब्लेड है वो वाला चाहिए था, ठीक है जी। मुझे ये ब्लेड चाहिए, ये ब्लेड मुझे निकालना है। तो वो हम कैसे तब्दील करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ का गाइड कर दूं कि ये जब हम इसको खोलते हैं तो आप हम देखते हैं कि हम जैसे भी जब भी खोलते हैं तो हम यूं खोलते हैं, ठीक है जी। अगर कोई भी नट वगैरह या कोई भी एक चीज़ हम खोलते हैं तो उसको हम इस तरह से खोलते हैं, जैसे कि हम ये लेफ़्ट की जानिब घुमाते हैं, हम इसको जैसे लेफ़्ट की जानिब घुमाते हैं। जब इसको राइट की जानिब घुमाएँगे, जैसे कि ये मेरा दायाँ हाथ है, ये मेरा दायाँ हाथ है, तो जब हम इसको दाएं हाथ की जानिब घुमाते हैं तो ये हमारा टाइट होता है, ठीक है जी। हम जितने भी अमूमन हमने नट देखे हैं वो इस तरह से होते हैं, लेकिन इस कप के अंदर ऐसे नहीं है। जैसे ही हम इसको बाएं हाथ से इसको घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, अगर दाएं हाथ से इसको घुमाएंगे तो ये खुलेगा, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो बहरहाल ये हाथ से नहीं खुल पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, कोई एक कपड़ा ले लूँगा, सही हो गया जी। तो मैं कोई कपड़ा ले लेता हूँ, इस कपड़े से मैं इसको पकड़ लेता हूँ, सही हो गया जी। तो इस कपड़े से मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसके पीछे जो है मैं ये नोज प्लग लगाता हूँ, यह जगह मेरे पास नोज प्लग है, ये मैं इसके साथ यहाँ पर लगाता हूँ, सही हो गया जी। तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं। ये देख सकते हैं ये मैंने खोल दिया है। मैंने इस वजह से इस पर कपड़ा लगाया क्योंकि इसके अंदर ब्लेड है, ब्लेड हाथ भी काट सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको कपड़ा मारा था। तो बहरहाल आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने इसको खोल दिया है। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर वाशरें, ये आप लोगों ने इसकी वाशरें जो होते हैं वो संभाल के रखनी होती है, सही होगा जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, ये देख लें, सही होगा जी। तो बहरहाल हमने ये भी निकाल दिया, ये भी देख लें आप, यहाँ से भी देख लें, ये भी सारा फटा हुआ है, तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बहरहाल हम इसको जो है वो हम खोलेंगे। एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, अगर वैसे आपसे नहीं खुलता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर तेल मार देना है, यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों ने हल्का सा तेल मारें, जो मशीन का तेल होता है वो मार लें, या बस या वरना थीनर मार दें, थीनर से भी काम चल जाएगा, या तो तेज़ा मार, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें मार दें जैसे कि यह खुल जाए, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसको भी उसी तरीके से खोलने लगा हूँ। तो कपड़ा इस वजह से मैं रखता हूँ पीछे से क्योंकि ये हाथ नहीं काट दे, तो इस वजह से मैं इसके कपड़े के साथ इसको पकड़ता हूँ। तो बहरहाल दोबारा हम इसको ये देख रहे हैं, इसके नुक्के बने हुए थे, नक्के के साथ इसको लगाना होता है, ठीक है जी। तो ये आप देखते हैं, ये भी मैंने खोल दिया है। अगर मैं यूं करता तो ये टाइट होता है, ये देख लें, ये इस तरह से टाइट होता है, यूं खुलता ही है, सही है जी। क्योंकि हमारे अमूमन जितने भी नट होते हैं ये इस तरह से हमारे खुलते हैं और इस तरह से हमारे बंद होते हैं, तो ये अमूमन हमारे इस तरह से होते हैं। लेकिन ये देख लें मैंने इसको भी खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लेड चेंज करेंगे, सही है जी। ये ब्लेड देख लें, ब्लेड मज़े से बाहर आ जाती है, इसकी शार्पी यही है, ठीक है जी। ये आप इसका ब्लेड देख लें, ये मैंने ब्लेड चेंज करना है और कुछ भी नहीं है इसके साथ करना, ठीक है जी। ये देख लें मैंने इसका ब्लेड लगा लिया। अब आप लोगों को मैंने एक और चीज़ दिखानी है, ये देख लें, ये जो हमारे पास ब्लेड है इसके अंदर कोई जंपर नहीं लगा हुआ, जंपर से मुराद कोई भी इसके अंदर रबड़ की कोई भी एक स्प्रिंग वगैरह नहीं लगी हुई,
या तो कोई स्प्रिंग लगी नहीं हुई, जब ये लगा होता यहाँ पर तो ये शोर मारता, ठीक है जी, चलने के दौरान ये शोर भी करता। तो अगर ये आप देख लें कि ये चलने के दौरान अभी ये शोर भी नहीं करेगा और इसके अंदर कोई जो इसका जो घूमना है वो भी इसका तेज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं आप, इसके तो इसके आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये रबर लगा हुआ है, सही हो गया जी, तो ये इसका रबर लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अब ये देख लें, मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ और पीछे से हम इसकी वाशिंग लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी वाशिंग आप लोगों ने संभाल के रखनी है। ये देख लें, मैं इसकी वाशिंग संभाल के मैं वही वाशिंग इसके साथ लगाने वाला हूँ। ये देखें, मैंने वही वाशिंग इसके साथ लगाई है और ये दूसरा रबर ये मैंने लगाया क्योंकि ये बिल्कुल ओके है, ये कहीं से फटा वगैरह नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है, सही है जी। ये बिल्कुल नया प्लेट मुझे नज़र आ रहा है, ये पीछे से पुली जो होती है। तो यूँ देखिए, मैं अगर जब यूँ इसको घुमा रहा हूँ तो ये टाइट नहीं हो रहा, इस तरह से ये टाइट नहीं होना। जब इसको इस तरह से घुमाएंगे हम, उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, सही हो गया जी। तो ये इस तरह से ये टाइट होगा। तो मैंने इसको अभी हल्का सा टाइट के मैं अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, कपड़ा उठा लेता हूँ और इसको अच्छी तरह से इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, सही है जी। तो मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ, सही है जी। तो आप लोगों ने इसको वैसे ही लगा लेना है, इतना ज़ोर से टाइट नहीं करना, क्योंकि ये मशीन जैसे घूमती है तब इसको ये फुल टाइट कर लेती है, मशीन अब खुद ही इसको फुल टाइट कर लेती है। आप लोगों ने इतना जस्ट इसको इतना टाइट नहीं करना, बस खोलने में थोड़ा सा ज़ोर लगता है लेकिन टाइट करने में इतना ज़ोर नहीं लगता, क्योंकि टाइट तो ये खुद ही हो जाता है, जब मशीन घूमती है तो ये बहुत टाइट हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने इसको लगा लेना है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से छोड़ दें और कुछ देर के बाद ये बाहर ही लगा आ जाए। तो आप लोगों ने हल्का सा इसको लगा लें, कस के लगाएं आप लोगों ने इसको, कस के इसको लगा लें, ठीक है जी। जब कस के लगाएंगे तो आप लोगों को छोड़ देंगे, जब ये इसको मशीन घूमेगी तो इसको खुद ही खुद इसको टाइट कर देगी, सही हो गया जी। तो यह देखते हैं कि ये मैंने इसको लगा लिया है, बहरहाल अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लगाएं तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है, ना आप लगाएं तो भी कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है जी। ये देख लें, मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ जस्ट, और इसको हम यूं करके इस तरह से दोबारा इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक हो गया जी। अगर आप लोगों ने इसकी सीलें नहीं डालोगे तो ये मसला होगा कि फिर ये लचम मारेगा और शोर भी मार सकता है, ठीक है जी। बहरहाल बहरहाल आप उसकी सीलें वगैरह लगानी है, देख लें, ये मैंने निकाल दिया, दोबारा मैंने इसको लगा लिया, इसकी ज़रूरत तो वैसे भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया, ठीक है जी। तो ये हमने इसको साइड में कर लेना है और ये हमने इसका जो ब्लेड है वो मैंने चेंज कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका मैंने ब्लेड चेंज कर लिया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे, खुदा हाफिज़।